पूछता हूं कि जब आपको 11 घंटे के बजाय अगर 2 घंटे में आएंगे तो आपका डीजल नहीं बचेगा, आपका टाइम नहीं बचेगा, तो उसका सेविंग है तो टोल दीजिए। और इसलिए आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार के पास पैसे नहीं है। जब तक आपको अच्छे रोड चाहिए तो आप, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था ताज मानसिंह में, मुझे बोले आप टोल रद्द करो, तो मैंने कहा आपने मानसिंह में कार्यक्रम क्यों नहीं लिया? अगर मानसिंह में कार्यक्रम लिया है तो पैसा देना पड़ेगा, फुकट में है तो रामलीला मैदान पर बैठो ना। आपको किसने मना किया? एक पंडाल डालो, लाउड स्पीकर लगाओ और बैठो, जब तुमको वहां फुकट में है। पर आपको अच्छे जगह बैठना है, एयर कंडीशन में बैठना है, अच्छी चेयर चाहिए, तो पैसे देने पड़ेंगे, फुकट में कैसे होगा? अब सरकार के पास पैसे नहीं है सर, सरकार कोई भी पार्टी की, देखो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, तीनों थिंकिंग के आधार है। आदरणीय मुलायम सिंह जी बैठे यहां, जॉर्ज फर्नांडिस को मैं अपने जीवन में अपना आइकॉन मानता हूं, डॉक्टर लोहिया जी को मैं पद पढ़ चुका हूं, और मैं ये मानता हूं कि यह सच्चाई है कि चीन और रशिया ने भी कम्युनिज्म को छोड़ दिया, वो लिबरल इकोनॉमी की तरफ चले गए, क्योंकि ये दोष नहीं देना है किसी को, सब बड़े लोग थे। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच कि जो दे सकता उससे लो, और जो गरीब लोग है, विलेज कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस पर टोल नहीं लगता, उसको ज्यादा खर्चा करो और गरीबों को ना दो। अगर बड़े शहर के, दिल्ली का रिंग रोड 15,000 करोड़ का अगर मैं अपने बजट से बनाऊंगा, तो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में जहां टोल नहीं मिलता, वहां रोड के लिए पैसा कहां से आएगा? अगर नॉर्थ ईस्ट में मैं 2,00,000 करोड़ खर्चा करना चाहता हूं, तो मैं दिल्ली में टोल लगाऊंगा, मुंबई में टोल लगाऊंगा, सूरत में टोल लगाऊंगा, अहमदाबाद में टोल लगाऊंगा, कलकत्ता में टोल लगाऊंगा, पर मैं वो जो सिक्किम में टोल नहीं लगता, वहां वायबिलिटी नहीं है। हमारा काम यह है कि जो राज्य कमजोर है उनको ज्यादा पैसे देना, जो धनवान है वहां से इकट्ठा करना, इसमें क्या गलत है? मुलायम सिंह जी कहेंगे कि समाजवादी थिंकिंग तो यही है, जो दे सकता उससे लो और जो गरीब है उसको दो। तो पहली बात तो ये टोल के, आपको एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं बहुत साफ बोलने में, कभी कभी मुझसे तकलीफ भी होती है, पर टोल जिंदगी भर बंद रद्द नहीं हो सकता। पूछता हूं कि जब आपको 11 घंटे के बजाय अगर 2 घंटे में आएंगे तो आपका डीजल नहीं बचेगा, आपका टाइम नहीं बचेगा, तो उसका सेविंग है तो टोल दीजिए। और इसलिए आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार के पास पैसे नहीं है। जब तक आपको अच्छे रोड चाहिए तो आप, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था ताज मानसिंह में, मुझे बोले आप टोल रद्द करो, तो मैंने कहा आपने मानसिंह में कार्यक्रम क्यों नहीं लिया? अगर मानसिंह में कार्यक्रम लिया है तो पैसा देना पड़ेगा, फुकट में है तो रामलीला मैदान पर बैठो ना। आपको किसने मना किया? एक पंडाल डालो, लाउड स्पीकर लगाओ और बैठो, जब तुमको वहां फुकट में है। पर आपको अच्छे जगह बैठना है, एयर कंडीशन में बैठना है, अच्छी चेयर चाहिए, तो पैसे देने पड़ेंगे, फुकट में कैसे होगा? अब सरकार के पास पैसे नहीं है सर, सरकार कोई भी पार्टी की, देखो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, तीनों थिंकिंग के आधार है। आदरणीय मुलायम सिंह जी बैठे यहां, जॉर्ज फर्नांडिस को मैं अपने जीवन में अपना आइकॉन मानता हूं, डॉक्टर लोहिया जी को मैं पद पढ़ चुका हूं, और मैं ये मानता हूं कि यह सच्चाई है कि चीन और रशिया ने भी कम्युनिज्म को छोड़ दिया, वो लिबरल इकोनॉमी की तरफ चले गए, क्योंकि ये दोष नहीं देना है किसी को, सब बड़े लोग थे। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच कि जो दे सकता उससे लो, और जो गरीब लोग है, विलेज कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस पर टोल नहीं लगता, उसको ज्यादा खर्चा करो और गरीबों को ना दो। अगर बड़े शहर के, दिल्ली का रिंग रोड 15,000 करोड़ का अगर मैं अपने बजट से बनाऊंगा, तो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में जहां टोल नहीं मिलता, वहां रोड के लिए पैसा कहां से आएगा? अगर नॉर्थ ईस्ट में मैं 2,00,000 करोड़ खर्चा करना चाहता हूं, तो मैं दिल्ली में टोल लगाऊंगा, मुंबई में टोल लगाऊंगा, सूरत में टोल लगाऊंगा, अहमदाबाद में टोल लगाऊंगा, कलकत्ता में टोल लगाऊंगा, पर मैं वो जो सिक्किम में टोल नहीं लगता, वहां वायबिलिटी नहीं है। हमारा काम यह है कि जो राज्य कमजोर है उनको ज्यादा पैसे देना,
जो धनवान है वहां से इकट्ठा करना, इसमें क्या गलत है? मुलायम सिंह जी कहेंगे कि समाजवादी थिंकिंग तो यही है, जो दे सकता उससे लो और जो गरीब है उसको दो। तो पहली बात तो ये टोल के आपको एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं बहुत साफ बोलने में, कभी कभी मुझसे तकलीफ भी होती है, पर टोल जिंदगी भर बंद रद्द नहीं हो सकता।